हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका मेरा आपके चैनल में राकेश बाइक रिपेयरिंग में। दोस्तों आज की वीडियो में बात करूंगा कि अगर हमारा ये पहिया व्हील जो है ये टाइट चलता है तो इसको किस तरीके से फ्री किया जाए। ठीक दोस्तों, तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा अच्छी वीडियो, अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। और दोस्तों ये पहिया टाइट भी चलता है और ये जो प्लेट है ये मतलब गर्म हो जाती है। ठीक दोस्तों, ये दोनों चीज़ें हम सही करेंगे। ठीक दोस्तों, तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा अच्छी वीडियो, अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। ठीक दोस्तों, तो दोस्तों चलिए आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं ये टाइट क्यों होता है, ये पहिया जो है टाइट क्यों होता है। तो दोस्तों इसके दो कारण होते हैं, या तो प्लेट टेढ़ी होती है या फिर इसके अंदर की ओरिंगें जो हैं वो गड़बड़ कर जाती हैं। तो उसके लिए हमको ये पूरी हाउसिंग खोलनी पड़ेगी, पूरी ये खोलना पड़ेगा। ठीक दोस्तों, इसे हम खोल लेते हैं, उसके बाद फिर मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक दोस्तों, तो इसे हम खोल लेते हैं, हाँ यहाँ से ये 12 नंबर पानी से इसको हम खोल लेते जल्दी जल्दी। निकालने के बाद अब ये वाली पिन जो है ये पिन भी हम निकाल लेंगे प्लास की मदद से, ये भी हमने निकाल लिया। अब हमको क्या करना है, इधर से पुश करना है और ये भी निकाल लेना है, ये जो पिन होती है इसको भी हमको निकाल लेना है। तो इसमें हम पुश करेंगे और इसको निकाल लेंगे। ठीक दोस्तों, ये पिन जो है इस तरीके से निकाल लिया। ठीक दोस्तों, अब ये पैड आराम से निकल गए, अब हम इसको खोल लेंगे। ये हमने खोल लिया है। ठीक दोस्तों, ये भी खोल लिया, अब हम इसका ये भी खोल लेंगे। अब हम इसके जो है ये दोनों पंप निकालेंगे बाहर। तो इस तरीके से हम पुश करके आराम से निकाल लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक दोस्तों, और दूसरा आला भी निकाल लेंगे, तो इसे हम दबाएंगे और दूसरा आला अपने आप निकाल आएगा। देखिए दोस्तों, ये अपने आप निकल आया, हाँ, और निकालेंगे इसको इस तरीके से दबा करके, एक दबाएंगे तो दूसरा अपने आप निकल आएगा। तो दोस्तों ये निकल आया है, अब हम इसको आराम से कैसे निकालेंगे, इस तरीके से ये हिला हिला के आराम से निकाल लेंगे। ठीक दोस्तों, ये सारा ऑयल इसका गिर गया है और इसको भी हम निकाल लेंगे। तो दोस्तों इसे आप प्लास से पकड़ के इस तरीके से ना निकालिएगा। ठीक दोस्तों, इस तरीके से प्लास से पकड़ के ना निकालिएगा। एक आसान तरीका मैं बताता हूँ जिससे ये आपको निकालने में बड़ी आसानी होगी, बहुत जल्दी निकलेगा। तो दोस्तों इस तरीके से एक टामी लीजिएगा और यहाँ पे फंसाइएगा और एक पेचकस लीजिएगा, वो भी ऐसे फंसा दीजिएगा, इस तरीके से फंसा दीजिएगा और इस तरीके से घुमा के आराम से निकाल लीजिएगा। ठीक दोस्तों, बड़े आराम से निकल आता है और कोई मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, ना प्लास से खींचना है ना कुछ करना है, ये निकल आएगा पंप इस तरीके से। ठीक दोस्तों, ये हमने निकाल लिया है, अब हमको क्या करना है, अब हमको ये वाला जो नट है इसको हमको खोल लेना है। ठीक दोस्तों, तो 12 नंबर से ये हम नट खोल लेंगे। ये हमने खोल लिया है। ठीक दोस्तों, इस तरीके से ये पूरा हमने खोल लिया है और इसकी एक वाशर भी है, ये इस तरीके की वाशर है और ये नट है, इनमें सब कुछ खोल लिया है। अब हमको क्या करना है, सब चीज़ वॉश करनी है, निकाल निकाल के एक एक चीज़, एक एक पुर्जा वॉश करना है। ठीक दोस्तों, वॉश कैसे करना है, मिट्टी के तेल से वॉश करना है, मिट्टी के तेल से या फिर सादे पानी से। ध्यान रहे दोस्तों, पेट्रोल से नहीं वॉश होता ये सब चीज़ें, ये सब चीज़ें पेट्रोल से नहीं वॉश होती है, या तो मिट्टी के तेल से वॉश होगी या फिर सादे पानी से वॉश होगी। वो भी कब वॉश होगी, ये सारी रिंगें निकालने के बाद। ये हम ओरिंग इसकी जितनी भी हैं सब निकाल लेते हैं आराम से। तो दोस्तों सारा पार्ट्स जो है हम वॉश करेंगे,
मिट्टी के तेल से। ठीक दोस्तों, सब कुछ हम मिट्टी के तेल से वॉश करेंगे। ये देखिए, सब कुछ हम मिट्टी के ही तेल से वॉश करेंगे, कुछ भी हो सब कुछ मिट्टी के तेल से। ठीक दोस्तों, सबसे पहले तो दोस्तों ये सब कुछ हम लोग ने क्लीन कर लिया है, लेकिन जो मेन स्टेप है वो अभी है। तो इसके अंदर की जो ये कॉलर के जहाँ ओरिंग लगी रहती है, इसको हमको इस तरीके से तार से साफ़ करना है। ठीक दोस्तों, ये चाहे जितना क्लीन हो फिर भी हमको इसको तार से जो है साफ़ करना ही करना है। अगर आप ये नहीं करते हैं तो आपका जो है ओरिंग जो है पंपिंग जो है अच्छे से नहीं करेगी, और जब अच्छे से नहीं करेगी तो आपकी जो है दिक्कत आ जाएगी, कंडीशन सेम की सेम बनी रहेगी। ठीक दोस्तों, तो इस तरीके से आपको करना है, इस तरीके से जैसे मैं ले के वायर को कर रहा हूँ, इस तरीके से आपको भी करना है। ठीक दोस्तों, चाहे जितना साफ़ हो इसको ऐसे ही वायर से या फिर पेचकस, माइनर पेचकस को ले करके करना है, और ये जो जगह होती है इसको साफ़ करना है। ठीक दोस्तों, हाँ तो मैं ऐसे ही साफ़ कर देता हूँ, और जल्दी जल्दी मैं साफ़ करके आपको दिखाता हूँ, ताकि आप लोगों का ज़्यादा टाइम बर्बाद ना हो और काम भी जल्दी जल्दी हो जाए। तो देखिए दोस्तों, हमने ये पूरा साफ़ कर दिया है। अब हमको क्या करना है, इसको कपड़े से अच्छे से पोंछ लेना है। ठीक दोस्तों, दोनों को हम कपड़े से अच्छे से पोंछ लेंगे, अंदर भी पोंछ लेंगे पेचकस से, माइनर पेचकस से। इस तरीके से पोंछ लेंगे, और ये नीचे वाला भी पोंछ लेंगे। ठीक दोस्तों, इस तरीके से पोंछने के बाद दोनों पोंछ लेंगे, दोनों के जो गाले हैं, दोनों गाले जो हैं पोंछ लेनी। ठीक दोस्तों, इस तरीके से पोंछ लेना। ठीक दोस्तों, हम ये पोंछ लिए, अब ये पूरा साफ़ कर लेंगे अच्छे से। ध्यान रहे दोस्तों, इसमें कचरा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, अगर इसमें कचरा होगा तो आपका जितनी मेहनत आपने किया है सब बेकार चली जाएगी। ठीक दोस्तों, ये हमने बिल्कुल क्लीन कर दिया, कोई भी दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, कोई भी कचरा, कोई भी इसमें कुछ भी नहीं होना चाहिए, अगर होगा तो आपका जो है काम ख़राब हो सकता है। तो हमने ये पूरा हमने साफ़ कर दिया है, अब इसमें हम ओरिंग लगाएंगे, जो कि ये है। ठीक दोस्तों, जैसे ओरिंग लगी हुई थी, और आपको ऑयल में डब करके रखना है। ये देखिए, ऑयल में हमने डब करके रखा हुआ था ओरिंगों को, इस तरीके से हम लगा देंगे ओरिंगे। ये देखिए, एक हमने ओरिंग लगा दिया, ये वाली भी ओरिंग लगा देंगे। ध्यान रहे दोस्तों, ऑयल में डब करके रखिएगा ओरिंगे, पहले मिट्टी के तेल से वॉश कर लीजिएगा, उसके बाद जो है ऑयल में डब करके रखिएगा ओरिंग। ठीक दोस्तों, हाँ, और हम इसमें भी लगा देंगे सब में ओरिंग, जिसकी जिसकी ओरिंग है सबकी ओरिंगे हम लगा देंगे। बड़े ही आसानी से लगा दीजिएगा, आराम से, कोई इसमें ज़बरदस्ती वाला काम नहीं है। आराम से बैठ जाती है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। ये देखिए, जो हमने बैठा दिए। ठीक दोस्तों, और सब ओरिंगे ऑयल से ही ले करके बैठानी है। ये ट्रिक जो है आपको कोई नहीं बताएगा पूरे यूट्यूब पर, सिवाय हमारे। तो दोस्तों, हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिएगा, और मैं बारीकी से बारीकी चीज़ें आपको मैं इसी तरीके से सिखाता रहूँगा। तो दोस्तों, अगर आपका पहिया जाम चलता है डिस्क ब्रेक का, और या फिर आपकी जो है प्लेट गर्म होती है, तो यही के कारण है कि आपकी जो पंपिंग होती है वो वापसी नहीं मार पाती है, वापसी नहीं मारने की वजह से आपकी गाड़ी में ऐसी ऐसी प्रॉब्लम में आती है। ठीक दोस्तों, तो ये देखिए दोस्तों, हमने पूरा ये साफ़ कर दिया, अब इसको हम
अंदर से थोड़ा साफ़ कर देंगे। और ठीक दोस्तों, ये साफ़ हो गया है। अब हमको क्या करना है, अब हमको पंप साफ़ करके लगाना है। ठीक दोस्तों, ये पिस्टन साफ़ करके लगाने हैं। ठीक दोस्तों, पिस्टन बड़े आराम से लग जाता है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। तो इस तरीके से हमको पिस्टन बराबर बैठा के लगा देना है। और ये हाथी से पुश कर दीजिएगा, कोई ज़बरदस्ती नहीं, कोई ताकत नहीं लगती है, ये देखिए। और इसमें भी हमको इसी तरीके से बराबर करके लगा देना है, पोछ पोछ के, सारा आइटम पोछ पोछ के लगा देना है। कोई भी ज़बरदस्ती नहीं है, बड़े आराम से बैठेगा, ये देखिए। ये देखिए बैठ गया। ठीक दोस्तों, अब हमको क्या करना है, अब हमको जो है इसकी प्लेट लगा लेनी है, जो कि ये है। तो यहाँ पे हम प्लेट लगा लेते हैं। उसके बाद हमको क्या करना है, उसके बाद इसकी जो है रबड़े लगा लेनी है। इसकी ये रबड़ है, इसको भी लगा लेना है। तो रबड़ भी हम इस तरीके से इसमें जो है लगा लेते हैं। ठीक दोस्तों, ठीक दोस्तों, इस तरीके से लगा लेना है। और दूसरी वाली भी ओरिंग लगा लेंगे। उसके बाद हमको इसमें रॉड में ऑयल लगा लेना है। और इसको इस तरीके से बैठा लेना है। के बाद हमको क्या करना है, पैड लगा लेने हैं। उसके बाद ये पिन में ऑयलिंग करके इसमें लगा देंगे। पेज का से पुश कर देंगे, इसकी पिन लगा देंगे। इसमें लगाने के बाद ये हमारा कैलिपर हो गया कंप्लीट। अब इसको हम डिस्क ब्रेक में फिट करेंगे। हम इसको डिस्क ब्रेक में फिट करेंगे, ये देखिए, प्लेट में इस तरीके से फिट कर देंगे। इस तरीके से दोनों बोल्ट लगा देंगे 12 नंबर, जो कि इसमें लगे हुए थे। उसके बाद ये पंप वाले बोल्ट लगा देंगे ऊपर नीचे, वाशर जिसमें होती है। ठीक है दोस्तों, और पूरा कंप्लीट कर देंगे। और उसके बाद हम पूरी गाड़ी में कंप्रेसर बनाएंगे और इसका जो है ऑयल डालेंगे ऊपर से। और ये सारे बोल्ट हम टाइट कर देंगे, ये साइड वाला भी और जो बगल वाले हैं वो भी टाइट कर देंगे। सब 12 नंबर वाले जितने बोल्ट हैं सबको हम टाइट कर देंगे अच्छे से, मजबूती से। ठीक दोस्तों, अच्छे से टाइट कर देंगे। और उसके बाद जो है इसका जो एयर वाला पाइप है इसको खोलेंगे और इसमें पाइप लगाएंगे। और पाइप लगाने के बाद फिर इसकी जो है एयर बनाएंगे। और एयर बनाने के बाद देखिए इसका बिल्कुल पहिया फ्री हो जाएगा। ठीक दोस्तों, तो चलिए अब हम एयर बना करके आपको दिखाते हैं, उसके बाद फिर मैं आपको बताता हूँ। तो दोस्तों, ये हमने पाइप लगा दिया एयर वाली और 11 नंबर बोल्ट से इसको हमने ढीला कर दिया है। अब हम कंप्रेसर बनाएंगे। पूरा कंप्रेसर जब बन जाएगा उसके बाद मैं आपको व्हील घुमा करके दिखाऊंगा और ये कंप्रेसर कैसे बनाया जाता है डिस्क ब्रेक का। इसकी मैंने वीडियो डाल रखी है, तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल पे जाइए प्लेलिस्ट में और चेक कीजिए डिस्क ब्रेक का।
कंप्रेसर कैसे बनता है। ठीक दोस्तों, बहुत ही आसानी से और बहुत ही जल्दी बन जाता है इस तरीके से, जो तरीका मैंने इसमें बता रखा है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी तो प्लीज़ जा कर के देख लीजिएगा। ठीक दोस्तों, ये देखिए, ये हमने पूरा इसका पंप मतलब कि पूरा कंप्रेसर बना दिया अच्छे से। अब इसको हम देखते हैं घुमा करके इसका वेल फ्री होता है कि नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए इसका पूरा कंप्रेसर बना दिया हमने और ये देखिए ब्रेक भी प्रॉपर लग रही है। ठीक दोस्तों, ये देखिए और आराम से लग रही है और कंप्रेसर भी अच्छे से बना दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये देखिए कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है। ठीक दोस्तों, और एक बार हम इसको टाइट कर देंगे अच्छे से। टाइट करने के बाद ये पाइप हम हटा देंगे और पूरा फिट कर देंगे। ठीक दोस्तों, तो दोस्तों कंप्रेसर बनाने के बाद इस तरीके से गाड़ी का पहिया बिल्कुल फ्री चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही। ठीक दोस्तों, तो दोस्तों आशा करता आपको ये वीडियो समझ में आई होगी और वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप लोगों की गाड़ी भी अगर ये कैलिपर जाम होता है या फिर ये प्लेट गर्म होती है तो आप इसी तरीके से सही कर सकते हैं। ठीक दोस्तों, तो दोस्तों आशा करता आपको वीडियो अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिए। इसी तरह की इन्फॉर्मेशन वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों मिलता है आपको अगली वीडियो में, जब तक के लिए नमस्कार।